Hello everyone, welcome to my channel, The Ardent Heart. I am Dr. Pinky Purokayas, the All India Vice President of Sunandan Bharti Kolkata and Principal of Pragya Kala Kendra. तो जैसे कि नेट एग्जाम आ रहा है एंड मुझे पता है कि आप लोग बहुत टेंशन में होंगे, कैसे क्लियर करना है कैसे नहीं. डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस. अभी तो जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स के डांस पेपर में अपियर कर रहे हैं, वहां पे आप देखेंगे यूनिट 6 में लिखा है डांस इन संस्कृत लिटरेचर एंड ट्रीटीज. तो उसमें एक जो सेकंड यूनिट है उसमें बहुत सारे बुक्स के नाम दिए हैं. तो आप अगर पूरा का पूरा बुक बहुत ज्यादा डील नहीं कर पा रहे हैं या फिर बुक बहुत हमेशा पूरा का पूरा अवेलेबल होना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, फिर भी आपको थोड़ा ना थोड़ा इसको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आंसर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इन सारे बुक्स को पढ़ने की. तो जैसे इसमें दिया गया है काफी बुक्स के नाम, जैसे कि अभिनय दर्पण है, देन है हस्तलक्षण दीपिका, बलराम भारतम, अभिनय चंद्रिका, श्री हस्त मुक्तावली. तो ये सारी जो बुक्स हैं, बुक्स ऑनलाइन में भी अवेलेबल होती हैं, आप खरीद लें, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इट विल बी क्लियर. अदरवाइज आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज मुझे पता है कि सारी बुक्स को एक साथ कंपाइल करना पढ़ना बहुत बड़ा काम होता है, नोट प्रिपेयर करना. तो इसी तरह से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अभिनय चंद्रिका. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. तो लेट्स स्टार्ट. अभिनय चंद्रिका. अभिनय चंद्रिका बुक है जो ट्रिटी ऑफ डांस है, वो उसको लिखा था महेश्वर महापात्र जी ने. And this is a very important book of Odissi dance form. So it was written by Maheshwar Mahapatra under the royal patronage of Sriman Narayan Dev of Khemundi Kingdom in 15th century AD. Khemundi Kingdom is located in Odisha. So this text mein 284 verses hain. The first two verses are in the praise of Ganpati and Lord Jagannath. Odisha is ऑल अबाउट जगन्नाथ कल्चर. हमें पता है प्रभु जगन्नाथ के ऊपर पूरी संस्कृति डिपेंडेंट है उड़ीसा की. सो दैट्स व्हाई गणपति एंड लॉर्ड जगन्नाथ. एंड गणपति के साथ भी उड़ीसा का बहुत बड़ा रिश्ता है. जो जब साउथर्न स्टेट्स थे उनके साथ जब गजपति पुरुषोत्तम देव का जो टाई अप हुआ, जब उनका विवाह हुआ पद्मावती से, देन एक्चुअली द रिलेशनशिप बिकेम मोर डीपर. तो इवन साउथ के एक गणपति जो है वो वहां पे स्थापित भी है उड़ीसा में. तो टिल द 18th वर्स द ऑथर गिव्स एन अकाउंट ऑफ नृत्य प्रशंसा एंड देन ही डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ ओडिसी डांस. तो लेट्स सी क्या है उस बुक में. तो बुक में या फिर उस टेक्स्ट में 3 पार्ट्स हैं. एक तो है नृत्य खंड, एक है भाव खंड और एक है छंद खंड. तो नृत्य खंड जो है वो शुरू होता है इंट्रोडक्टरी वर्सेस, वर्सेस फॉर गणेशा जगन्नाथ, प्लेसेस ऑफ परफॉर्मेंस, लिस्ट ऑफ दैट इज प्रीसेप्टर्स ऑफ ओड्र नृत्य. तो पहले जो था, पहले ओड्र मार्ग जी, इसे हम लोग जब प्रवृत्ति पढ़ते हैं, हम लोग जब एंशियंट फॉर्म्स ऑफ डांस के पढ़ते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि अलग अलग क्या क्या फॉर्म्स रीजन वाइज बेस्ड है. तो इसी हिसाब से लिस्ट ऑफ प्रिसेप्टर्स ऑफ ओड्र नृत्य. इससे पहले जैसे गोटिपू डांस, महारी डांस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. देन डिवीजन ऑफ नृत्य, तांडव एंड लाश्य. लाश्य इज डिवाइडेड इनटू युग्म एंड योवतर. लाश्य इज अगेन क्लासिफाइड एज विकट लाश्य, विषम लाश्य एंड लघु लाश्य. तो विकट लाश्य में क्या होता है, डांस फॉर्म इन विच लय ताल एंड भाव आर एग्जिबिटेड व्हाइल परफॉर्मिंग इज कॉल्ड विकटलाश्य. विषम लाश्य में क्या होता है, बाय यूजिंग भ्रामरी थ्रू हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्लैंटेड मूवमेंट्स स्पेशल फुटवर्क इन लाश्य बेस्ड डांस विषम लाश्य इज परफॉर्म्ड.
लघु लक्ष्य क्या है? बाय प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन अर्थ थ्रो एंकलेट्स एंड थ्रो अनचित कुंचित पदविन्यास लघु लाश्य इज परफॉर्म। तो इसी तरह से लाश्य डांस का क्लासिफिकेशन किया गया है। देन पदमुद्रा मतलब फुट पोजिशंस, दीज आर कुंभ स्तंभ धनु महापद, चार टाइप के होते हैं। मेनी फुट पोस्चर्स आर कोटेड फ्रॉम डिफरेंट दैट इज स्टैक्स। देन हस्त मुद्रा, तो फोर टाइप्स ऑफ हैंड जेस्चर्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल आर संयुक्त असंयुक्त पूतिता विषमा। तो ये चार टाइप के हैं। हमें पता है कि बाकी जो नाट्यशास्त्र बोलिए या फिर अभिनय दर्पण, वहां पे मेनली संयुक्त असंयुक्त पे ही फोकस किया गया, बट यहाँ पे चार टाइप के हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस, तब के समय कौन कौन सा, जैसे मैंने कहा रीजन वाइज था, प्रवृत्ति वाइज थी, तो कैसे कैसे उसके बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ डांसेस क्या थे। मागधी, शोरशनी, कर्नाटका, केरला, गोड़ा, पंचनदी और ड्रनित्य, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। देन क्लासिफिकेशन ऑफ तांडव, तांडव नृत्य इज क्लासिफाइड इन टू सेवन टाइप्स। आनंद तांडव, द तांडव which Lord Shiva performs with joy. Tripura Tandava, the dance performed by Lord Shiva after killing the demon Tripurasura, reflects courage and extreme anger. So, isme veer ras aur rodra ras ka prabhav bahut zyada hai. Then, Sandhya Tandava, the Tandava which is performed in the evening in a very pleasant mood. Hume pata hai, sare din ke kaam kaaj ke baad, hum log jab thoda free hote hain, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तब जो नृत्य होता है दैट इज द बेसिस ऑफ सांध्य तांडव। संहार तांडव, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर यूनिवर्स इज रिप्लिकेटेड इन संहार तांडव। काली तांडव, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय ईवी शिवा डांसेस एक्सप्रेसिव हिज भैरव फॉर्म। उमा तांडव, द डांस फॉर्म रिप्रेजेंट्स द कॉन्जुगुअल conjugal affection, love and attraction, and it's present in very simple and beautiful form. Shiv और पार्वती के बीच में, शिव और शक्ति के बीच में जो romance है, जो प्रेम है, उसको reflect करता हुआ जो तांडव है, that is उमा तांडव। गौरी तांडव, this is the dance form where Shiv and Gauri dances together in श्रृंगार रस। तो ये है basic ऑफ तांडव। तो इसका एक नोट बना ले, बहुत बार ये एग्जाम में आ भी जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ तांडवस। देन तालस, चैप्टर 7 में वहां पे देखा गया टेक्निकल तालस एंड देयर प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। चारी, भूमि एंड गगन बिलोंगिंग टू देसी क्लास। तो भूमिचारी एंड गगनचारी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है 8th चैप्टर में। 9th चैप्टर में युग्मा एंड विकटक के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एंड नंबर 10 में कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी यूज्ड इन ओडिसी डांस फॉर्म, तो दैट्स आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद क्या होता है कि नृत्य खंड वहीं पे समाप्त होता है, देन कम भाव खंड। तो भाव खंड में क्या क्या देखा जाता है, पहले तो भाव, रस, 8 प्रकार के रस और अलंकार, अलंकार्स एस ग्रेसेस वुमेन, नृत्य, डिविजन ऑफ नृत्य, तांडव, देन कुटपा, द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द ऑडियंस। हमेशा ही आप कोई भी प्राचीन टेक्स्ट देख लें डांस से रिलेटेड, आपको दिखाई देगा कि कैसे सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है ऑडियंस के लिए, उस पर जोर दिया गया है। दृष्टि, 18 टाइप्स ऑफ ग्लासेस विथ मूवमेंट्स ऑफ आईब्रोज। देन मुखभेदा, 9 टाइप्स ऑफ लीफ मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ माउथ। Then मुखरंग, expression of faces are classified into 9 types. फिर 9th chapter में आप देखेंगे वक्ष, the chest movements are of 3 types, उनके बारे में discuss किया गया है। कटी, chapter 10 में है, 4 types of waist movements along with their uses. Then next chapter में सरवा and नीरवा, so these are of 2 types of हास्यस। सरवा is अभिनय, if you are making sound while smiling, this is sarava, and nirava is
nitya, using different part of body when you express your happiness, your emotion. Then mandala. Mandala division is based on the use of accompaniment of particular performance. Mandala is of three types: uttama, madhya, and adhama. Then number 13 में आता है प्रयोग विधि. तो hand gestures are given explanation in the first chapter. Here all the usages are explained in much deeper way. तो ये था भाव खंड. छंद खंड. छंद खंड में क्या है? छंद खंड में एक्चुअली म्यूजिक को क्लासिफाई किया गया है. इट इज सेड दैट म्यूजिक हैज 10 डिविजन, 7 स्वरास एंड देयर गार्डियन डेटीज आर ऑलरेडी मेंशन्ड. एंड ऑथर हैज ट्राइड टू कोरिलेट द डिविजन ऑफ म्यूजिक विद सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ डांस. तो श्रुति इज डिवाइडेड इंटू 4 काइंड्स एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर. देन आती है पल्लवी. पल्लवी इज अ काइंड ऑफ डांस विच कैन बी ऑफ टू टाइप, बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स एंड बेस्ड ऑन डेटीज. Then Geeta, songs that accompany dance are said to be Desi, Gramya या Sanskrit. इन तीनों में से एक form हो सकती है, एक type of song हो सकती है that accompanies dance. Then Gunabheda, dancers are divided into three kinds: Sattva, Raja and Tama. Then Nityarambha, so here the beginning of a dance performance is described effectively. Rasas according to swaras, particular note swara for particular rasa. Then Gramya Nitya. So 25 kinds of folk and traditional dances are given. Folk description. बहुत ही clearly वहाँ पे mention किया गया है क्या क्या 25 type के dance forms को folk and traditional dance forms को explain किया गया. Then musical instruments comes and it talks about mridanga, the most important accompaniment of Odra Nitya. ओड्र नृत्य में जो मृदंग का जो प्रयोग है, इट इज फोकस्ड हियर. देन पंच हेतु, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डांसिंग. क्या क्या है प्रिंसिपल्स? गीतार्थ, थान, उपमा, निवृत्ति, अंतरा. तो द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग इज गीतार्थ, थाना द करेक्ट यूसेज ऑफ द लिम्स, उपमा इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन निवृत्ति, इंटरमीडिएटरी पॉजेस जो रिक्वायर्ड होती है डांस के बीच में. एंड अंतरा मीन्स एंडिंग. तो ये है पंच हेतु. देन मार्ग. मार्ग आर ऑफ फोर काइंड. दिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑन द स्टेज, कैसे आपको मूव करना है. देन पटर, द स्टाइल ऑफ प्लेसिंग द फूट इन टाइम विद द म्यूजिक एंड रिदम इज पटर. पली, पली मीन्स This is to say to be the movements on stage according to the figures that draw on the ground plan of the stage. So ground plan में जो drawings बनाए जाते हैं accordingly आपको move करना होता है. And these are of 4 types. Mandala मतलब circular, और है वर्ग that is square, Naga means serpentine, and Pankaja means lotus like. Number 12. चैप्टर में ओडिया ट्राम्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ मूवमेंट्स. ऑथर अगेन एनुमरेट्स अ फ्यू ट्रेडिशनल मूवमेंट्स बियरिंग ओडिया नोमेनक्लेचर. दिस आर आसना, स्थिरा व्यापिनी, थीरा, थिया, थारी. तो इन सब चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है सो दैट इट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल. जो है वो एक्चुअली 4 टाइप्स का होता है: अग्रचाली, प्रस्थचाली, पार्श्वचाली राइट, पार्श्वचाली लेफ्ट. यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है, एक लेफ्ट है एक राइट है. Then number 14 में कंपन. इट इज पर्टिकुलरली सीन इन अकाउंटिंग थ्रोबिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इन कोर्स ऑफ डांसिंग. तो आपका जो बॉडी का जो कंपन होता है डिफरेंट पार्ट्स का, जब आप मूव करते हैं उसी को कंपन कहते हैं. उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. देन अभिनंदनम, 5 काइंड्स ऑफ नमस्कार और सैल्यूटेशंस. सैल्यूटेशन जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है इन ऑल इंडियन डांस फॉर्म्स. तो हर में किसी में भूमि प्रणाम होता है, किसी में नमस्कार होता है, कहीं पे अभिनंदनम होता है. तो एवरीवेयर यू कैन सी, क्योंकि डांस जो है वो एक स्पिरिचुअल फील लेके आती है इंडियन सोसाइटी में. देन उकुटा, द 4 मॉडल रिदम पैटर्न्स व्हिच आर यूज्ड इन डांस परफॉर्मेंस. तो उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन रिदम पैटर्न्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है आपको. उसके लिए एक बहुत अच्छा सा उन्होंने मैनुअल दे रखा है. फल, Yet the fruit of dancing is illustrated as done in the literary work.
If a dancer performs 10 abhinayas, her senses are eliminated. With 100 abhinayas, she will attain salvation. तो आप देख सकते हैं कैसे स्पिरिचुअलिटी से डांस का बॉन्डिंग बन जाता है. मतलब अगर आप 10 अभिनय परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके जो सेंसेस से बुराई पूरी मिट जाती है, और 100 अभिनय के बाद आपको सल्वेशन मिल जाती है. मतलब आप कनेक्ट होने लगते हैं डिवाइन के साथ. तो मेरे जो गुरु हैं पंडित दिव्यांग वकील जी, तो वो जब हमारे हमारे क्लासेस लेते हैं डांस एंड स्पिरिचुअलिटी, इंडियन म्यूजिक एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से म्यूजिक एक ऐसी स्वतंत्र धारा में हमें जो सुपर पावर है या फिर सुपर सोल से हमारी सोल को जोड़ती है. बहुत ही सुंदर होता है वो एक्सप्लेनेशन. कभी आपको भी अटेंड करना हो तो तालीम में जाएं, तालीम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं. देयर इज अ वेबसाइट तालीम, जहाँ पे दिव्यांग वकील जी स्पिरिचुअलिटी और डांस का, म्यूजिक का जो संबंध है वो बहुत सुंदर से एक्सप्लेन करते हैं. देन नाट्यशाला या द स्टेज इज डिस्क्राइब्ड एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेज ऑफ भरत. तो नाट्यशाला में जो कॉन्सेप्ट है वो भरत मुनि के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है. अभिनय चंद्रिका मैनुस्क्रिप्ट इज इन उड़िया स्क्रिप्ट 133 फोलियोस एंड द स्क्रिप्ट इज नाउ नोन एज शीघ्रलिपि और करणी टाइप्स ऑफ उड़िया स्क्रिप्ट. दिस वॉज यूज इन रॉयल कोर्ट्स ऑफ उड़ीसा. तो इट इज ऑल अबाउट योर अभिनय चंद्रिका. तो जैसे कि पीपीटी दिए हुए हैं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट ऑल्सो एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. Soon I will be uploading another chapter on another book. हो सके तो मैं शायद आपके सिलेबस के हिसाब से next day बलराम भारतम and हस्तलक्षणा दीपिका, इनमें से दो में से एक को डील करूँ. तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरीज हो जो मेल में कॉमेंट पे भी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं. थैंक यू.